हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सैनी पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई फाइनल आज आपका 23 मई 2024, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट मेन्स एग्जामिनेशन 2024 के ऊपर। आखिर आपके ई एडमिट कार्ड वगैरह कब जारी होने वाले हैं और साथ में इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को क्लिक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हर एक एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जो कि आपको जानना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी होता है आपको इसी प्रकार मिलते रहें, तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सैनी को सब्सक्राइबर प्लस बेल आइकन को प्लीज करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट वो दिया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेंस एग्जामिनेशन 2024 कंडक्ट होने वाला है 22 जून 2024 को, मीन्स करीबन और करीबन एक महीने बाद में। तो अभी आपकी एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में एक मंथ का टाइमिंग अभी आपके पास और बचा है। तो आपके प्रेस पत्र कब जारी होने वाले हैं, तो अगर हम लोग बात करें इसकी प्रेस रिपोर्टेड की या लास्ट ईयर आपके प्रेस पत्र कब जारी किए गए थे, तो कभी तो आपके एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, कभी एक महीने पहले, तो कभी 15 दिन पहले, तो कभी 25 दिन पहले, इस प्रकार से आपके ई एडमिट कार्ड वगैरह वो जारी किए जाते हैं। अब आ रही है कि इस बार आप भी कब तक जारी हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट है, तो आप मानकर चलिए कि जून के फर्स्ट वीक तक आपको जो आपकी ई एडमिट कार्ड वगैरह है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेंस एग्जामिनेशन के, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक ये आपको ऑफिशियल अपडेट नहीं है, आपकी एडमिट कार्ड पहले भी जारी हो सकते हैं, लेकिन जून के फर्स्ट वीक तक आपके एडमिट कार्ड वो जारी हो जाने चाहिए। और जैसे ही आपके ई एडमिट कार्ड वगैरह जारी होंगे ऑफिशियली, तो आपको सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट वो किया जाने वाला है। तो तब तक आप सभी लोग अपनी जो स्टडी है, प्रिपरेशन है, उसको आप सभी को कंटिन्यू करते रहना है। थैंक यू सो मच।